सेशन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ अमनदीप। तो चलिए शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिलासपुर की, जहाँ धान का उठाव की धीमी गति से अब धान सड़ने लगा है। धान की मिलिंग क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन है, जिसके कारण धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। धान उठाव कम होने से विपणन विभाग परेशान है, लेकिन खाद्य विभाग मिल रोक पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। और DMO शोभना तिवारी का कहना है कि धान उठाव की गति धीमी है, इससे मिलिंग में वक्त लगेगा और अभी 8 लाख मेट्रिक टन संग्रहण केंद्र में रखा हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता शैलेंद्र पाठक जुड़ गया है। शैलेंद्र, आखिर क्या कुछ वजह है कि धान सड़ने को मजबूर है? इंद्रों की पूरी तरीके से जो कहना चाहिए कि जो गलत नीति है उसके वजह से शासन को नुकसान होने वाला है और ये करोड़ों रुपए का धान उसमें नुकसान होगा। मिलर जानबूझकर धीरे जो है वो सरकारी धान उठा रहे हैं और धान चूंकि जब किस्म का था शुरुआत में इन लोगों ने उठा लिया और अब ये बहाना बना रहे हैं दुनिया भर का। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो इसमें पावर है, जो खाद्य विभाग को उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। विपणन के पास जो है वो दूसरे जिले का भी धान आ चुका है, ऐसे में उठाव की स्थिति जो बहुत दूरी धीरे है और ये कई करोड़ का धान ऐसे में सड़ेगा। निश्चित रूप से अभी 6 महीने हैं और जब तक नया धान का सीजन आ जाएगा उठाव का, और अभी पुराना धान ही सरकार के पास से उठानी है जो संग्रहण केंद्र में, वो सड़ने की कागार में और कई जगह सड़ने भी लग गए, सड़ भी गए। लेकिन इसको गंभीरता से जो जिला प्रशासन है वो नहीं ले रहा है और कहीं ना कहीं जो मिलरों के साथ जो खाद्य विभाग की मिली भगत वो कहने की हो रही है, जबकि फ्री सेल में मिलर जो है वो पूरा धान उठा रहे हैं, फ्री सेल में धान बेच रहे हैं मार्केट में सस्ते दर पे ले रहे हैं, लेकिन वो सरकारी धान नहीं उठा रहे हैं। ये निश्चित रूप से सरकार को नुकसान है, एक बड़ा नुकसान है और मेहनत कर जो किसानों की कमाई है, जो धान है उनकी। शैलेंद्र, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में DMO जुड़ गई हैं, शोभना तिवारी। शोभना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी धन्यवाद जी। मैडम, बिलासपुर से मामला सामने आया है जहाँ पर धान सड़ रहा है और जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह गलत नीतियां बताई जा रही हैं। आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी मैं इस पर। जी, बिलासपुर जिले में अभी 8 लाख क्विंटल धान बाकी है मिलिंग के लिए जी, और कस्टम मिलर्स जो हैं उनकी गति बहुत स्लो होने की वजह से ये धान की मिलिंग काफी धीरे हो रही है जी, और इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है जी। शोभना जी, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर जो आपने धीमी गति का जिक्र किया, क्या कुछ कारण है उसके पीछे? जी, जो कस्टम मिलर्स हैं उनको दूसरे बिजनेस भी भा रहे हैं, जिस वजह से वो कस्टम मिलिंग में थोड़ी धीमा कर दिया है उन्होंने कस्टम मिलिंग जी, और वही मौसम भी है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। जी बिल्कुल। शोभना जी, जैसे कि आपके भी संज्ञान में होगा कि अब धान वहाँ पर सड़ने भी लगा है, तो क्या आपने इसको लेकर किसी तरह की कोई पहल की कि जो बाकी का धान है वो सुरक्षित बचाया जा सके, वो सड़े ना? जी, मैंने मुख्यालय को इस बारे में बकायदा सूचना दी है कि गुणवत्ता प्रभावित हो रही है जी, तो अगर हमारे जिले के मिलर प्रॉपरली नहीं मिलिंग कर पा रहे हैं तो अन्य जिले से संलग्न करने का प्रयास किया जाए जी, जल्दी से जल्दी धान का उठाव किया जा सके जी। तो इसको लेकर आपकी बात भी हो चुकी है, तो क्या उनका क्या कुछ कहना था, कब तक इस धान का उठाव होगा? जी, उन लोगों के द्वारा पास के जिलों के मिलर को बिलासपुर भेजने की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है जी, और बहुत जल्द ही दूसरे जिले के मिलर भी संलग्न कर दिए जाएंगे जी। चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया शोभना जी। तो हमारे साथ में DMO जुड़ी हुई थी, जिनका कहना है कि उनकी तरह से कोशिश की गई है और जल्द ही इसका उठाव कार्य किया जाएगा। और हमारे साथ में संवाददाता शैलेंद्र भी जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर